हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभिनेता सुशांत राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई करेगी पूरे मामले की जांच। मुंबई पुलिस को जांच दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक टैलेंटेड अभिनेता थे सुशांत राजपूत, पूरी प्रतिभा दिखाते, उससे पहले ही मौत हो गई। सब चाहते हैं निष्पक्ष जांच से सच सामने आए। सुशांत केस की जांच सीबीआई को देने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले मुंबई पुलिस का जांच में कोई दोष नहीं रहा, सीबीआई जांच में सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इशारों में कहा सुशांत के बहाने देश के संघीय ढांचे पर भी निशाना साधा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस्तीफा मांगा, कहा सच दबाया जा रहा था। सुशांत केस में आदित्य ठाकरे की जांच को लेकर सवाल हुए तो शिवसेना के संजय राउत बोले बात दिल्ली तक जाएगी। एबीपी न्यूज से सीएम नीतीश कुमार बोले कहा अब सुशांत केस का सच सामने आएगा, बिहार पुलिस ने भी कानून के मुताबिक काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है सुशांत का परिवार, कहा अब सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने कहा सत्य की तरफ पहला कदम बढ़ा है, परिवार ने ही बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई थी। फैसले के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील बोले रिया खुद चाहती थी सीबीआई जांच हो, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया पर सुशांत के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोले सीएम नीतीश पर बयान देने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। सुशांत केस में सीबीआई जांच होने और महाराष्ट्र सरकार को झटका लगने पर बिहार में कई जगह जश्न मनाया गया। मुंबई में सुशांत का मिला था शव, मुंबई पुलिस ने आत्महत्या मानकर जांच शुरू की थी, बाद में परिवार के कहने पर बिहार में एफआईआर दर्ज हुई। मुंबई पुलिस और बिहार में झगड़े के बाद सीबीआई जांच की मांग उठी थी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आज फिर आतंकियों से एनकाउंटर हुआ, एक आतंकी को ढेर किया गया, बाकी की तलाश जारी। यूपी के मिर्जापुर में शहीद रवि कुमार का आज अंतिम संस्कार हुआ, परिवार के साथ पूरे गांव ने श्रद्धांजलि दी, बारामूला एनकाउंटर में कल शहीद हुए थे। बारामूला हमले के शहीद लवकुश शर्मा का बिहार के जहानाबाद में अंतिम संस्कार हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, परिवार ने नम आंखों से दी विदाई। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। एमपी की शिवराज सरकार का ऐलान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत हर परिवार को एक रुपए किलो से गेहूं, चावल और नमक मिलेगा, 1.5 रुपए लीटर केरोसिन 1 सितंबर से शुरू होगी योजना। राजस्थान में गहलोत सरकार लाई इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में गरीबों को खिलाया जाएगा खाना। नॉर्थ एमसीडी में नए टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को एमसीडी ने फिलहाल टाला, केजरीवाल की पार्टी ने नए टैक्स के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए, एक इंटरव्यू में प्रियंका ने दिया है ये बयान।